नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया की खास सीरीज फ्रॉम द इंडस्ट्री आप आज देख रहे हैं। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको। करीब 2014 का साल था और मैं एक शो रिकॉर्ड करने एक्चुअली मैं तब नेटवर्क एटिंग के लिए काम कर रहा था, तो मैं गया एक रिकॉर्डिंग करने के लिए, शूट रिकॉर्ड करने, बेसिकली न्यूज थी। तो उसमें वहां पर जो PR इंडस्ट्री जो उनका PR संभाल रही थी, तो एक जवान सी लड़की थी और उस लड़की से मैं मिला। और इतना उभर कर नहीं आ रही थी वो लड़की, पर मैं उनसे मिला और उनसे मिलने के बाद जब वो पूरा न्यूज में कवर करके वापस गया, तो वापस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिन लड़की से मैं आज मिला हूँ, जो PR प्रोफेशनल की जो लड़की थी जिनसे आज मैं मिला, वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली आने वाले समय, मुझे ऐसा लगा। और उसके करीब अब 6 साल बीत गए हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, और वो लड़की दिल्ली NCR में तो नाम कमा ही रही है अपना PR के हिसाब से, बल्कि ऑल ओवर इंडिया भी उसको लोग अब जान रहे हैं। वो लड़की जो है वो आज हमारे सामने बैठी है, उनका नाम है प्रेरणा डालाकोटी। प्रेरणा डालाकोटी एज ए मैनेजर अभी PR प्रोफेशनल के लिए काम कर रही है और बड़े बड़े क्लाइंट्स जैसे कि DLF वगैरह संभाल रही है और बड़े बड़े क्लाइंट संभाल चुकी है। और खास बात अब ये है कि वो बच्चों को अब बताती है कि कैसे PR करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेरणा जी। मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई, पर आपका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच प्रशांत। प्रेरणा, क्योंकि मैं आपको काफी सालों से जानता हूँ, पत्रकारिता में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जानता हूँ, पर मैं फिर भी थोड़ा हक से बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने आपकी ग्रोथ अपने हिसाब से देखी। तो आपने अभी तक पिछले 6-7 साल या जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, अभी तक अपने आप को कैसे देखा है PR इंडस्ट्री में, या PR इंडस्ट्री को कैसे इवोल्व होते देखा है? प्रशांत, PR इंडस्ट्री से कुछ 5-6 सालों में मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इवोल्व हो गई है। मुझे थोड़ा सा ना हमारे दर्शकों के लिए एक बार PR का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा कि PR पब्लिक रिलेशंस होता क्या है। देखिए, अगर एक लेमन टर्म में आम आदमी को समझने के लिए कहा जाए, जो आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं, ब्रांड्स का कम्युनिकेशन देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो सब जो लोग पीछे से मैनेज करते हैं उनको हम PR प्रोफेशनल्स बोलते हैं, और उस पूरे प्रोफेशन को हम कम्युनिकेशन या PR इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बेसिकली आपकी जो ओवरऑल फ्रॉम हेड टू टो इमेज मैनेजमेंट जो है, कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको बात करनी है, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या कहना है, वो पूरा एक ब्रांड का या एक इंडिविजुअल का या प्रोडक्ट का, उस पूरी ब्रांड रेपुटेशन को मैनेज करने को एक आम शब्द में हम PR बोलते हैं या कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब मैं बात करूँ कि पिछले 5-6 साल में क्या चेंज हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी तो ट्रेडिशनल मीडिया का बहुत जोर था, प्रिंट मीडिया का, कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदी पेपर हो या कुछ भी हो, तो हम प्रिंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली मूव कर चुके हैं, प्रिंट का उतना रीच नहीं रहा जितना ऑनलाइन मीडिया का हो गया है। और अगर अभी कोविड की बात की जाए तो उसने तो इस चीज को मतलब 10 टाइम्स और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है डिजिटल मीडिया की ग्रोथ को, बिकॉज इन पिछले 2-3 महीने न्यूज़पेपर्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे किसी के भी पास। सो द ओनली मीडियम हम लोगों के पास जो था अपने ब्रांड्स को पब्लिसिटी या विजिबिलिटी देने का, वो ऑनलाइन मीडिया ही थी या डिजिटल मीडिया ही था। तो हम लोगों ने भी धीरे धीरे ब्रांड्स को शिफ्ट किया, उनके माइंडसेट को शिफ्ट किया, उनको काउंसिल किया कि भाई नाउ इज द टाइम कि आप प्रिंट से धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ मूव करें। लेकिन इसमें भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर्स तो कुछ हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यू नो कि डिजिटल मीडिया PR में इज द नेक्स्ट थिंग। लेकिन जो कॉर्पोरेट जो सरकारी लोग हैं, जो PSUs हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने वो प्रिंट वाले ट्रेडिशनल मीडिया में ही है। उनको लगता है कि भले ही एक छोटा सा न्यूज आए और वो प्रिंट में आना चाहिए कंपेयर टू के ऑनलाइन न्यूज आए। लेकिन अब कोविड-19 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स मूव करेंगे ऑनलाइन मीडिया में, बिकॉज ऑनलाइन मीडिया कंपैरेटिवली प्रिंट मीडिया से थोड़ा वहाँ कम मेहनत लगती है और आपकी रीच बहुत ज्यादा होती है। मैं आपसे ये डिफरेंस जानना चाहता हूँ, जैसा कि आप बार बार बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मीडिया इज द न्यू थिंग, डिजिटल मीडिया इज द न्यू थिंग, तो उसमें जो होते हैं आप क्लाइंट को लेकर जब मीडिया के पास जाते हो तो उसका अप्रोच करने का तरीका कुछ बदलता है या सेम ही रहता है? नहीं, तरीका सेम ही रहता है, लेकिन जब हम डिजिटल मीडिया देखते हैं ना, डिजिटल मीडिया को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर न्यूज़पेपर है, आपका एक आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आपको एक रीडरशिप उसकी पता है कि इतने लोगों के पास जा रहा है, बट कितने लोग पढ़ रहे हैं ये आपको नहीं पता। वहीं अगर आप एक ऑनलाइन न्यूज को देखें तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, आप उस पर इम्प्रेशंस देख सकते हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। तो हम लोगों का जॉब इजी होता है टू जस्टिफाई कि भाई ये जो न्यूज हमने आपकी कराई थी वो इतने लोगों तक तो पहुंची है, जहाँ कि वो प्रिंट में नहीं होता। प्रिंट में आप एक एम्बिगुटी में हो कि हाँ इसकी रीडरशिप इतनी है तो इतने लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे एम्बिगुटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप क्वान्टिफाई करते हो, तो आप अपनी सर्विसेज को आप जस्टिफाई करते हो यूजुअली, क्योंकि कहा जाता है कि हर चीज का एक ROI होता है और जनरली PR का कोई ROI नहीं होता। मार्केटिंग का ROI रहता है, एडवर्टाइजिंग का ROI होता है, PR का एज सच कुछ भी नहीं है कि आप उसका ROI निकाल सको कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। लेकिन ऑनलाइन मीडिया से आप कहीं ना कहीं वो एक ROI जज कर पाते हो कि कितना हुआ है। आप क्लाइंट्स को अप्रोच करने का तरीका भी अब बदल गया है। मैं प्री एंड पोस्ट कोरोना करके पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहले तो आप अपना पर्सनली जाके मिल सकते थे, तो अब आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि एक पर्सनल इम्पैक्ट इज ऑलवेज द बेस्ट इम्पैक्ट। बिल्कुल प्रशांत, हम लोगों की इंडस्ट्री को तो बहुत ज्यादा हिट किया है। मैं क्लाइंट का एक मिनट प्रेरणा, मैं क्लाइंट के बारे में बता दूं कि जो PR के जो लोग होते हैं वो क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी PR टीम क्या कर रही है और हम आपको मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। ये एज ए PR क्लाइंट को PR जो भी इंडस्ट्री है वो पिच करती है क्लाइंट्स को। हाँ प्रेरणा, तो अब आप कंटिन्यू कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि हम लोग जो PR एजेंसीज हैं वो क्लाइंट और मीडिया के बीच एक ब्रिज होता है कि हम क्लाइंट से इनपुट लेते हैं और मीडिया को देते हैं। सिमिलरली अदर वे अराउंड भी, मीडिया से इनपुट या फीडबैक लेते हैं और क्लाइंट को देते हैं। तो हमारा बिजनेस हैज बीन ऑलवेज रिलेशनशिप ड्रिवन, फिजिकल, अब चाहे वो मीडिया पे हो चाहे वो क्लाइंट पे हो। तो हम लोगों का रहा है कि हम लोग पर्सनली जाके मिलना, इवेंट्स पे जाके उनसे मिलना, नेटवर्किंग करना, उनके ऑफिस जाना। पर पिछले 2-3 महीनों में वो सब बंद है और आगे 6 महीना भी हमें नहीं दिखता कि ऐसा कुछ होगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यूजुअली लोगों को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे उनसे बातचीत कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल्स पे उनको फॉलो कर रहे हैं, सो दैट हम अपनी प्रेजेंस फील करवा सके उन लोगों को कि भाई हम भी हैं। 1-on-1 emails हम कर रहे हैं, थ्रू टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन वी आर रीचिंग आउट टू देम, वी आर अटेंडिंग वेबिनार्स। अब आप e-summits और वेबिनार्स बहुत आ गए हैं, तो उसके थ्रू हम क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा प्रेरणा, मुझे ये बताइए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि समय इतना अच्छा नहीं है और अगले 6 महीने तक नहीं रहने वाला, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि कोरोना आने के बाद PR इंडस्ट्री कितनी बुरी तरह अफेक्टिव हुई है? क्योंकि हर मेजर इंडस्ट्रीज इस चीज में अफेक्ट हुई है, पर PR, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम भी चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बैठे न्यूज जनरेट कर सकते हो या आप प्रेस रिलीज जनरेट कर सकते हो, तो इसमें आपकी क्या राय है कि PR इंडस्ट्री कितनी अफेक्ट हुई है? देखिए, मैं तो कहूंगी कि PR इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है इस चीज से, क्योंकि आप किसी भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉडी में भी देखें, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं रिटेनर्स में, रिटेनर्स को कम कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो सेम सिचुएशन हम लोगों के साथ भी हुई है। बिकॉज अब जब बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो कॉर्पोरेट या कोई भी एंटिटी है वो एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी के लिए कहाँ से पैसा देगी, और इस टाइम पे तो अभी पब्लिसिटी भी फॉर दैट मैटर कहीं ना कहीं रुकी हुई है, चाहे एड्स हो या इवेंट्स हो। हाँ, वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफी डायनामिक है। जैसे मैंने बोला, इट इंक्लूड्स इवेंट्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, अवार्ड्स, रोड शोज, प्रोडक्ट लॉन्चेस, बहुत सब कुछ। अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना हद तक ये हम वर्क फ्रॉम होम या हम ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। जो हमारे डे टू डे न्यूज आइटम्स हैं कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, कुछ अनाउंसमेंट हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो हार्डकोर ब्रांड मैनेजमेंट हम लोग करते थे इवेंट्स पे, वो सब कहीं ना कहीं अब रुक गया है और शायद आगे उसका एज सच आज की डेट में तो कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा कि क्या होगा। प्रेरणा जी, मुझे आप ये बताइए कि क्योंकि अब आपको आपका फ्यूचर आपको पता है कि हमारा ये विजन है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आपकी जो इंडस्ट्री है पीआर या आपकी एजेंसी है वो अभी आने वाले समय में क्या करने वाली है, क्योंकि कोरोना जैसा कि माना जा रहा है कि अभी कुछ समय तक और रहेगा या क्या पता जिंदगी भर रहे, तो इसमें आपका क्या विजन रहेगा, आपकी एजेंसी का क्या विजन रहेगा? ऐसे हम लोग अब जैसा हम ट्रेडिशनल पीआर से थोड़ा हटके हम लोग डिजिटल पीआर की तरफ मूव कर रहे हैं। नॉट ओनली डिजिटल पीआर बट डिजिटल मीडिया सर्विसेज आल्सो, बिकॉज़ यू नो एट दिस टाइम, क्योंकि ये 2-2.5 महीने सब लोग घर पे थे। सो जैसा कि मैंने अपने लास्ट आंसर में बताया कि यू नो पीपल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल पीआर एंड नॉट ओनली डिजिटल पीआर बट डिजिटल मीडिया आल्सो विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, बिकॉज यू नो वो अब इस दौरान बहुत इजी रही और बहुत आसान है, उसमें आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने कंज्यूमर्स, अपने टारगेट ऑडियंस, अपने स्टेकहोल्डर्स तक पहुंच सकते हैं। तो सेम इज द स्ट्रेटजी ऑफ आवर एजेंसी, वी आर इन्वेस्टिंग ऑल आवर एनर्जीज यू नो टुवर्ड्स आवर सोशल मीडिया टीम। हम लोग अपना सोशल मीडिया टीम हम ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुके हैं और हम लोग अब सोशल मीडिया बिजनेस को अपने एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने जो एग्जिस्टिंग पीआर क्लाइंट्स हैं उनको भी अपनी सोशल मीडिया सर्विसेज पर चिपका और एवेन्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया सर्विसेज और डिजिटल पीआर को सेल कर सके, बिकॉज फॉर सम टाइम एज ऑफ नाउ ट्रेडिशनल मीडिया विल टेक अ बैक सीट। ठीक है प्रेरणा, मुझे इन दो चीजों के बारे में आपने जो जिक्र किया, अभी आपने बोला डिजिटल मीडिया और आपने बोला सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इन दोनों के बारे में भी आप थोड़ा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा इस पे एक ओपिनियन मिल जाए? जी प्रशांत, सोशल मीडिया तो जैसा कि सब लोग यूज करते ही हैं कि आपका फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप देखेंगे कि आजकल हर किसी के पास फोन है, तो लोग इतना कनेक्टेड हैं कि किसी को भी अगर आपको एक मैसेज एक शॉर्ट में भेजना है तो द इजिएस्ट थिंग इज कि आप उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर दो। तो आज तो कल तो दिल्ली पुलिस से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डिपार्टमेंट से लेकर सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स दे आर ऑल देयर ऑन सोशल मीडिया। इनफैक्ट अब तो सोशल मीडिया पे ये हो रहा है कि कौन कितना यूनिक सोशल मीडिया कैंपेन लाता है या कौन कितना यूनिक सोशल मीडिया वीडियोस क्रिएट कर रहा है। तो अब ब्रांड्स के बीच में ये कंपटीशन है, यू नो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एज क्रिएटिव एज दे कैन टू यू नो अपने मैसेजेस को अपने ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो वो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट है जो हम स्ट्राइव कर रहे हैं कि हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी पिछले 2-2.5 महीने का डेटा भी ये कहता है कि जो डिजिटल कंजम्पशन है ओवरऑल कंट्री का वो हाईएस्ट रहा है पिछले 5 सालों में, बिकॉज लोग घर बैठे हैं, बहुत टाइम के पास है, सो व्हाट दे आर डूइंग वो सोशल मीडिया पे सर्व कर बहुत ज्यादा जा रहा है। तो ये राइट टाइम है कि ब्रांड्स उस टाइम को वो कैप्चर करें, लोगों तक पहुंचे, और हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी ऑडियंस होती है, जैसे प्रोफेशनल के लिए लिंक्डइन है, थोड़ा आपको पॉलिसी पे बोलना है तो ट्विटर है, आपके लाइटर कंटेंट के लिए फेसबुक है, आपके वीडियो और पिक्चर कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम। और जब मैं डिजिटल पीआर की बात करती हूँ तो जो हम न्यूज करवाते हैं न्यूज़पेपर्स में, उन्हीं को जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं थ्रू प्रेस वायर, जैसे पीटीआई हो गया, आईएएनएस हो गया, या उन्हीं मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड है तो बिजनेस स्टैंडर्ड ऑनलाइन, ईटी है तो ईटी ऑनलाइन, तो उसको हम डिजिटल मीडिया में या डिजिटल पीआर में काउंट करते हैं। चलिए, एक सवाल जो कि मैं बहुत सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, पीआर इंडस्ट्री से हो या रिपोर्टर से हो, जो मैं पूछता भी रहता हूँ, वो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर क्योंकि आप पीआर में हैं तो आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे उसे, कि क्या आपके भी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में न्यूज ज्यादा चाहते हैं रादर देन हिंदी न्यूज, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, जबकि देखा जाए कि हिंदी की रीच ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश न्यूज? बिल्कुल, ये देखा गया है, ये जनरली एक यू नो हम लोगों का माइंडसेट मेरा व्यक्तिगत ये सवाल मेरा व्यक्तिगत सवाल है, ये किसी ने मुझे बताया नहीं है, मैं बड़ा क्यूरियस था इसको, मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है, मुझे लगा कि आप शायद इसका जवाब दे सकें। जी ये मैं एक कहूँ तो एक स्टिग्मा टाइप है, वही जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना कि भले ही आपको हिंदी ना आती हो लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही खेल है। मतलब मैं एक टेक्निकल बताऊं कि नाम नहीं लूंगी लेकिन बहुत सारे हिंदी पेपर्स हैं जिनका इंग्लिश पेपर से बहुत ज्यादा रीडरशिप है। आप जागरण देख लें, भास्कर देख लें, मतलब इनको आपकी जो 40% या 60% इनका जो पॉपुलेशन है वो पढ़ती है। मतलब आप देखें अगर बहुत इंग्लिश पब्लिकेशन का गुड़गांव का जो रीडरशिप है वो उनके एक छोटे कानपुर जैसे शहर के सर्कुलेशन से भी कम होगा, लेकिन वो एक माइंडसेट का फेर है। ऑल्दो हम भी लोगों को समझाते हैं और कुछ ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो लोग समझते हैं, वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हर न्यूज़पेपर की एक अपनी टारगेट ऑडियंस होती है। अगर आप एक जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है जो रैपिड रेल है, वो रैपिड रेल बना रहा है और रैपिड रेल चला रहा है, तो वो दिल्ली से मेरठ जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर आपको मेरठ के लोगों को टारगेट करना है तो वहाँ जागरण और अमर उजाला ही है। आप इकोनॉमिक टाइम्स कोई नहीं, फंडिंग एजेंसी को टारगेट करिए, तो आप ईटी को टारगेट करिए। लेकिन जब आप आम जनता तक पहुंचना चाहते हैं तो नवभारत, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, जागरण, ये पेपर्स को आपको चूज करना चाहिए। बिकॉज जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी है वो सब, बट यहाँ ये है कि थोड़ा माइंडसेट का फेर है। लोग थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश को देते हैं, हमें लगता है कि इंग्लिश में अगर आ जाए तो यू नो उनके ब्रांड को एक अलग पोजीशनिंग मिलेगी। ठीक है प्रेरणा जी, आप एक आखिरी सवाल और इसके बाद हम ये इंटरव्यू बंद कर देंगे। आपका इतना लंबा जो कैरियर है, 5 साल से भी ज्यादा आपको काम करते हो गए, कोई ऐसा खास कोई इवेंट जो आपका कवर करा के आपको काफी वाहवाही आपने बटोरी, आपको लगा कि ओके मैंने सच में कुछ अच्छा काम किया, कोई ऐसा कोई आप उदाहरण दे पाए हमारे साथ शेयर कर सके तो? 8 दिन का इवेंट था और ग्रेटर नोएडा में था और 8 दिन हम सुबह से 9 बजे तक से 6 बजे तक वहीं रहते थे। एंड उस इवेंट को करते हुए बहुत परेशानियां हुई क्योंकि वहाँ आना जाना, जर्नलिस्ट को ले जाना, मीडिया नोट्स बनाना, प्रेस नोट्स बनाना, बहुत टफ काम था। लेकिन वही बात है, जब कवरेज आती थी शाम में या अगले दिन तो यू नो नथिंग कैन मैच दैट। और वो 8 दिन के इवेंट पे हमने करीब 5,500 से ज्यादा प्रिंट और ऑनलाइन कवरेजेस उस इवेंट की कराई थी। वो भी 5,500 जो ट्रैक हुई, बहुत तो न्यूज थी कि जो ट्रैक भी नहीं हुई, और वो 5,500 इंक्लूडेड न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट एज वेल। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट आई हैड डन इन द पास्ट 5-6 years। ठीक है प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। आपने बेसिकली आज हमें बताया कि है डिजिटल मीडिया इज द न्यू फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। और आपने लास्ट वाला यूएन वाला जो हमारे साथ एग्जांपल शेयर करा वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेरणा जी।